So hello everyone, welcome back again. As we all were waiting for NABARD's notification, there is one good news that NABARD's notification is out. ठीक है, तो NABARD का notification अब आ ही चुका है. तो अगर आप सोए थे तो आप जाग जाओ, और अगर आप जग ही गए हो तो आप उठ जाओ और प्रिपरेशन अपनी शुरू ही कर दो. ओके, सो जब NABARD का नोटिफिकेशन आ ही गया है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नोटिफिकेशन को हम एक बार इन डेप्थ एनालाइज करें एंड ऑल्सो लुक एट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन विच हैज बीन मेंशनड इन द नोटिफिकेशन ऑफ NABARD ग्रेड ए 2023. वी विल ऑल्सो कंपेयर दिस नोटिफिकेशन विद द प्रीवियस ईयर्स नोटिफिकेशन ऑफ 2022. ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, ओवरऑल इस नोटिफिकेशन को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले. So as we all know, notification has come out. The first paragraph you could see, a very important paragraph which states that NABARD is calling for aspirants or students to apply for the post of assistant manager in grade A in rural development banking services, जो कि है RDBS. ठीक है, अब दूसरी बात है, candidates can apply online on NABARD's website only, that is www.nabard.org. और किसी भी वेबसाइट से अप्लाई करना नहीं है, एंड इफ अप्लाइड थ्रू एनी अदर मोड ऑल्सो दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके, ओनली ऑनलाइन मोड एंड ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ NABARD. देन इज द मेन थिंग दैट टुडे द फॉर्म फिलिंग हैज बीन स्टार्टेड. सो नोटिफिकेशन केम यस्टरडे एट 11 PM. सो हियर यू कुड सी द form filling, okay, has been started on 2nd September 2023 to 23 September 2023. So, aaj se leke 23 September tak, aap NABARD ke application ke form ko fill kar sakte ho, aap apply kar sakte ho NABARD grade A exam ke liye. Okay, so how much days you are having to apply for NABARD grade A exam? Simple, you are having 20 to 21 days only to apply, that is from 2nd September till 23rd September. ठीक है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो. द सेकेंड पैराग्राफ विच हैज बीन रिटन इन द बोल्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपली वो क्या कह रहा है, वेरी वेरी इजी, जो भी इंफॉर्मेशन देना वो सच देना, कुछ भी झूठी इंफॉर्मेशन देना मत. ओके, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना. ओके, एंड अप्लाई वेरी वेरी केयरफुली. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट हैज बीन ऑल्सो मेंशन, इफ यू अप्लाई फ्रॉम एनी अदर मोड देन ऑनलाइन विच हैज बीन मेंशन हियर, देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. Similarly, you have to only apply from the www.nabard.org. Then is if you have any problem related to filling of form, if you have any problem related to your payment of fee, related to downloading your call letter, and any complaints related to form filling, okay, of examination, you can write that, or maybe you can mention all those complaints at http://cgrsibps.in. ओके, तो IBPS NABARD की एग्जाम को कंडक्ट करता है, फेज वन फेज टू को. तो आपको अगर कोई भी डाउट हो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, फी पेमेंट से रिलेटेड, आपके चार्जेस से रिलेटेड, डाउनलोडिंग कॉल लेटर से रिलेटेड, यू कैन राइट दैट कंप्लेंट एट द नेम ऑफ कैंडिडेट ग्रीवियंस लॉजिंग एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म एट cgrs.ibps.in. ठीक है, सब्जेक्ट में ये जरूर लिखना NABARD ऑफिसर इन ग्रेड ए RDBS DR. व्हाट इट मींस, IBPS जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स को केटर करता है. सो ऑफ दैट NABARD एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है फॉर्म फिल करने के लिए, सो डेफिनेटली यू हैव टू राइट NABARD ऑफिसर इन ग्रेड ए RDBS इन योर सब्जेक्ट. सो इफ एनी ग्रीवियंसेस आर देयर, यू हैव टू डेफिनेटली गो ऑन दिस वेबसाइट. ये बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है. देन कम्स द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइन. टाइमलाइन पहली एक इंपॉर्टेंट क्या थी, यू आर हैविंग 20 डेज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई फॉर NABARD ग्रेड ए एग्जाम फ्रॉम टुडे, दैट इज 2 सितंबर टू 23 सितंबर 2023. नेक्स्ट इज फेज वन प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड टेंटेटिवली ऑन 16 अक्टूबर 2023. ओके, तो 16 अक्टूबर. सो हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज देयर, टेंटेटिवली अगर 16 अक्टूबर को प्रीलिम्स फेज वन एग्जाम होगी तो आपके पास कितने दिन बचते हैं प्रिपेयर करने के लिए, यू आर हैविंग ओनली 45 डेज टू प्रिपेयर. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू विल आस्क मी, सर आर 45 डेज इनफ? तो मैं पहले ही आपको कह रहा था, डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन एंड प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द NABARD ग्रेड एग्जाम. बट
जिन लोगों ने प्रिपरेशन अभी भी शुरू नहीं की है, आई विल टेल यू द ट्रूथ, 45 डेज आर मोर देन इनफ. ओके, माइंड यू, 45 डेज आर मोर देन इनफ. देन लेट्स कम टू नाबार्ड. ऑल्सो नाबार्ड हैज द राइट टू चेंज द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, एंड इसीलिए फेज वन के एग्जाम के आगे टेंटेटिव लिखा गया है. सो कल अगर नाबार्ड ने डेट बदल दी तो आप धरने पे बैठ नहीं सकते. ओके, इट्स अ टोटल ऑटोनॉमी ऑफ नाबार्ड. फेज टू की जो एग्जाम है उसकी डेट्स भी नाबार्ड अपने वेबसाइट पे अपडेट कर देगा. देन कम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन फॉर आरडीबीएस, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर. वी ऑल नो हियर ऑल द डिसिप्लिन्स हैव बीन गिवन. फर्स्ट डिसिप्लिन इज जनरल डिसिप्लिन, जहां पर आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकता है. रेस्ट ऑफ द वॉट एवर डिसिप्लिन आर देयर, दोज आर स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन्स. वहां पर आपका स्पेसिफिक ग्रेजुएशन ही होना चाहिए उस डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए. Each vacancy has been given according to your reservation categories. Unreserved category, SC category, ST category, OBC category and EWS, Economic Weakers Section category. Then total vacancies and persons with benchmark disability. ये भी एक category mention की गई है. Now observe very carefully. General के unreserved candidates है 31 and total यहाँ पर vacancies है 77. In last year the total general vacancies were 80. Okay? So this year it is 77. One stark difference in this year's discipline vacancy is that computer and information technology whopping 40 seats are vacant. So vacancy of 40 seats is there, whereas finance ki last year zara zyada seats the, wo reduce hoke 15 pe abhi hai. Okay, so two three important information. First, general vacancies have reduced little bit, jo 80 the wo 77 ho gaye. Information technology and computer seats vacancies have increased and finance vacancies have reduced. Similarly, soil jo sciences the, okay, and land development, wo to discipline gayab hi ho gaya. There is no vacancy for soil sciences and land development. Forestry and other streams, food processing streams have been added. Okay, jahan par unreserved ke liye ek seat aur OBC ke liye ek seat, bas itna hi seats hai. So here respective disciplines and correspondingly different categories have been mentioned. Total vacancies this year is 115 number, 150. Last year it was 166. So 160 plus last year vacancies the, is saal 150 hai. Iska matlab kya hai? Vacancies have reduced but not reduced rampantly. Okay, 200 ke 140 vacancy nahi hue hai, 160 plus jo the wo 150 hue hai. Also jitna market mein जितना हाइप था, ओके, सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम नाबार्ड, डिफरेंट एग्री एजुकेटर्स वेर सेइंग दैट दिस ईयर टू नोटिफिकेशंस विल कम, दिस ईयर वैकेंसी वुड बी इंक्रीज्ड बाय टू फोल्ड. सच नथिंग हैज ऑकर्ड इन दिस नोटिफिकेशन ऑफ 2020 नाबार्ड 2023. नाबार्ड हैज मेंटेन्ड इट्स कंसिस्टेंसी एंड हियर वी कुड सी वी आर हैविंग ओनली 156 व्हिच इज क्लोज और इक्वल टू द प्रीवियस वैकेंसीज ऑफ द ईयर ऑफ 2022. इसीलिए मैं कहता हूं नाबार्ड बहुत ही एक कंसिस्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में भी और इसके टोटल सिलेक्शन प्रोसेस में भी. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी टॉक अबाउट द पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी. तो पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कैटेगरीज बनाए गए हैं, कैटेगरी ए बी सी डी ई, ये कैटेगरीज बनाई गई है. ओके, ऑल्सो डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑल्सो हैव बीन गिवन इन कंटेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा इस एग्जाम में? एस सी एस टी ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी. ठीक है, ऑल्सो नाबार्ड ये जो इंस्टीट्यूशन है उसकी एग्जाम है, सो इट हैज राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैकेंसीज ऑफ एनी डिसिप्लिन और हाउ टू फिल दोज वैकेंसीज. ऑल दैट राइट इज नियर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज पर द रिक्वायरमेंट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल नो candidates who are in OBC category but who are in the creamy layer, they would be treated as general. Unke liye koi bhi reservation yahan par nahi hai. Okay, then the other important thing, if you see for persons with benchmark disability, is that you could see category A B C D mein inka division kiya hai. Category A vision visual disability ke liye, category B jo hai wo hearing disability ke liye, कैटेगरी सी जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए, कैटेगरी डी जो है वो मेंटल डिसेबिलिटी के लिए, और कैटेगरी ई जो है दैट इज फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी. देन आप जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स,
डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर हियरिंग इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, लोकोमोटर डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन यहां पर लिखे गए हैं. सो रीड देम वेरी वेरी केयरफुली. टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर पेरेंट्स, फैमिली, सिबलिंग्स टू रीड देम वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज इफ यू आर अ स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी ऑफ द पीडब्ल्यूडी, एनी ऑफ द डिसेबिलिटी, दिस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर प्रिपेरेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, गाइडलाइंस ऑल्सो हैव बीन स्टेटेड हियर फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड ऑल्सो द स्क्राइब विच दे आर गोइंग टू यूज. हु इज द स्क्राइब? जो भी स्टूडेंट्स होते हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं, डेफिनेटली फेज टू एग्जाम में वो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर नहीं सकते ठीक से. इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द डिसेबिलिटी. एट दैट टाइम दे कैन चूज अ हेल्दी स्टूडेंट जिन्होंने नाबार्ड का एग्जाम कभी दिया नहीं है या फिर उस साल के लिए उस स्ट्रीम में अप्लाई नहीं किया है. दे कैन चूज सच कैंडिडेट एज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू जस्ट राइट द एग्जाम. ही इज कॉल्ड एज द स्क्राइब. सो उसके भी यहां पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. सिंपल इंस्ट्रक्शंस लाइक ही शुडंट बी फ्रॉम द सेम स्ट्रीम, वन स्क्राइब कैन नॉट बी यूज्ड बाय टू स्टूडेंट्स, ओके, ही शुडंट बी फ्रॉम द सेम डिसिप्लिन व्हिच हैज बीन मेंशनड इन द एग्जाम, ओके, ही कैन बी फ्रॉम द सेम ग्रेजुएशन बट नॉट फ्रॉम द सेम डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर द एग्जाम थ्रू द नोटिफिकेशन. ओके, सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहां पर पीडब्ल्यूबीडी के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है. Then, according to disabilities, other further critical instructions have been given. Instructions for locomotor disability and cerebral palsy, क्योंकि उनको half an hour extra मिल, 20 minutes extra मिल जाते हैं per hour. Okay? So, for the disability of locomotor disability and cerebral palsy, you get extra time. Similarly, visual impaired candidates है, उनको zoomed font मिल जाता है. Okay? So, font of magnified view, font is used by the visually impaired candidates. It has been provided by the IBPS. Okay? So, ye sari cheeze yahan par PWBD students ke liye. Then comes for reservation for economically weaker sections. We all know EWS ka reservation jab se start hua hai. First important thing here is that your total family gross annual income should be less than 8 lakh rupees. This is the first important condition. Now, along with this condition, you shouldn't be in any of these four categories: 5 hectares of agricultural land, residential flat of 1000 square feet and above in any of the village area, residential plot of 100 square yards in notified municipalities, and residential plot of 200 square yards in any of the areas other than notified municipalities. किसी भी इन चार पॉइंट्स में अगर आपके पास ये आप अगर टिक करते हो, देन यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. सो यू शुडंट हैव ईदर लैंड ऑफ 5 acre और मे बी इवन 1000 square feet, 100 स्क्वायर यार्ड्स और 200 स्क्वायर यार्ड्स व्हिच हैज बीन मेंशनड हियर. रीड इट प्रॉपरली सो दैट यू नो दैट आर यू अ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट और नॉट. ऑल्सो द सर्टिफिकेट्स ऑफ SC, दैट इज यूर कास्ट सर्टिफिकेट्स, यूर इकोनॉमिकली वीकर section certificates, this should be before 1st April of 2023. तो मतलब क्या? 1st April के बाद आपको कुछ भी करके ये certificate fresh बनाने चाहिए. Okay? So you should have fresh certificates with you. Older certificates of previous to 1 April 2023 are not accepted. ठीक है? Then eligibility criteria, that is educational criteria. Very very simple. General जो आपकी जो discipline है, you can have any of the educational background, any of the qualification from any of the recognized university or institution, but graduation ke liye 60% mark above chahiye aur post graduation 55% above any of it. So for example, aapke paas either 60% chahiye more graduation mein ya fir more than 55% in the post graduation, dono mein se koi bhi ek. Then कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन डिसिप्लिन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं जनरल डिसिप्लिन या फिर फाइनेंस डिसिप्लिन, इन दोनों में से कोई एक ही डिसिप्लिन को अप्लाई कर सकता हूं. ओके, इफ आई अप्लाई फॉर एनी टू डिसिप्लिन, देन माई लास्ट डिसिप्लिन फॉर विच आई हैव सबमिटेड माई एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड. सो यू कैन अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली. ओके, देन कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन as on 1st September of 2023. That means what? Your final year or final SEM or your overall final year certificate, passing certificate, you should have in your hands
before 1st September of 2023. And if you don't have the certificate, at least your result of your final term, final semester or final year should be before 1st September 2023. तो उसके बाद सपोज आपका रिजल्ट लग रहा है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं, ये क्वेश्चन मत पूछना. ओके, यू शुड हैव योर पासिंग आउट सर्टिफिकेट बिफोर 1st September of 2023. अपार्ट फ्रॉम दैट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर बात करें, जनरल के लिए किसी भी डिसिप्लिन से चलेगा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, 60% एंड 55% इन पोस्ट ग्रेजुएशन. कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ऑफकोर्स कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये हो गया आपका ग्रेजुएशन में. अगेन ग्रेजुएशन के लिए 60% मस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 55% मस्ट है, किसी भी डिसिप्लिन के लिए. फाइनेंस के लिए बहुत सारे यहां पर है, आपने बीबीए किया है, बीएमएस किया है, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है, एमबीए किया है, आपने सीए किया है. ओके, ऑल दीज आर एलिजिबल फॉर योर फाइनेंस डिसिप्लिन. कंपनी सेक्रेटरिएट ने अगेन आपने मेंबरशिप की है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. ओके, सिविल इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर, ईदर ग्रेजुएटेड विद 60% और पोस्ट ग्रेजुएटेड बाय 55%. सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जियो इन्फोमेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्पेशलिस्ट. ठीक है, तो नोट ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस व्हिच आर देयर, दोज शुड बी फ्रॉम अ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी अंडर द यूजीसी एक्ट. ठीक है, तो फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह यहां पर नहीं चलेंगी नाबार्ड के एग्जाम के लिए. ठीक है, नाउ जिन भी आपका जो भी क्वालिफिकेशन है और आप जिन भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो, एवरी यूनिवर्सिटी हैज इट्स ओन वे ऑफ एक्रेडिटेशन. सो इफ यूर यूनिवर्सिटी यूजेस नॉट परसेंटेज बट रैदर CGPA, OGPA और CPI और एनी अदर सिमिलर टर्मिनोलॉजीज, दिस टेबल हैज बीन गिवन टू कन्वर्ट यूर टर्मिनोलॉजी CGPI, OGPI into परसेंटेज. कन्वर्ट दोज परसेंटेज एंड देन यू ट्राई टू सी either you are getting 60% in your graduation or more than 55% in your post graduation. theek hai, then comes indicative roles and responsibility as well as nature of roles of technical disciplines. to aap yahan par dekh sakte ho, computer and information technology, your roles have been given all related to security, data analytics, database administration, networking, server management, etc. finance and company secretary, jitne bhi finance ke related important responsibilities hai, ट्रेजरी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मेंटेनिंग सिक्योरिटीज इन ट्रैप्स, ओके, ऑल दिस स्टफ विल कम अंडर फाइनेंस डिसिप्लिन. रेस्ट ऑल द डिसिप्लिन्स फंक्शंस हैव बीन गिवन हियर, वी हैव ऑलरेडी सीन इन अवर प्रीवियस वीडियोस ऑफ रोल्स ऑफ नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर, रोल्स लाइक स्वॉट एनालिसिस, क्रेडिट लिंक प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ सेक्टोरल पेपर्स, स्टेट फोकस पेपर, ये आपका फर्स्ट रोल है. मीटिंग रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट इंस्टीट्यूशंस, आप FPO से मे बी योर क्लाइंट्स, SHGs, different farming organizations, state governments, industries, research institutions, then provision of expert views, advisory services, consultancy services, NABARD consult karta hai state government ko, central government ko, right? Liaison with the research institute, jo ki maine kaha tha, research scholars se aur research institutions ke saath partnership hota hai NABARD ka. Then comes advisory services for district, state and national level for operation of different governmental sponsored schemes, for example PM Kusum Yojana, PM Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Paramparagat Krishi Vikas Yojana. So ye sare jitne bhi schemes hai farmers ke liye, NABARD is one of the apex organization or pivotal organizations which looks after even framework of these policies and its execution along with the state and national governments. Okay, तो ये सारे आपके फंक्शंस हो गए. रीड देम प्रॉपरली, नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट ओनली फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हेरेवर यू आर ट्राइंग टू अप्लाई, आप जहां पर भी अप्लाई करना चाहते हो आपको पता होना चाहिए कि NABARD ग्रेड ऑफिसर करता क्या है, राइट? सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल मेक यू रियलाइज कि एक्चुअली में NABARD ग्रेड ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर करता क्या है. ओके, देन इफ यू सी एज, अगर एज की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज की अगर मैं बात करूं, आपकी एज दी गई है फ्रॉम द ईयर ऑफ 21 टू 30 इयर्स ओनली, सो योर एज भी शुड नॉट बी अर्लियर देन 2 सितंबर 1993 के पहले आपका एज नहीं होना चाहिए, और 1st सितंबर 2002 के बाद
आपका एज बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सो अ एज बार हैज बीन गिवन, ओके, 21 इयर्स टू 30 इयर्स, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे, ठीक है. नाउ इफ यू आर फ्रॉम द कैटेगरीज लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, देन यू आर प्रोवाइडेड विद द रिलैक्सेशन ऑफ द एज. तो ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है एज में, एससी एसटी कैटेगरीज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है. आप अगर एक्स सर्विसमैन हो तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है. इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हो तो 5 साल का आपका 5 साल का आपको रिलैक्सेशन है. 10 years ऑफ रिलैक्सेशन इज फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है. जो भी persons with benchmark disability है उनको 10 years का क्या है, relaxation है. Then comes selection procedure. अगर हम selection procedure की बात करें, then we are talking about exam pattern. Exam pattern की बात करें, this is your phase one. Phase one, there are 8 subjects. The first 5 subjects, which is test of reasoning, English, computer knowledge, quantitative aptitude, decision making, general awareness and economic and social issues, and agriculture and rural development. These are in total 8 subjects. The first 5 subjects are qualifying subjects, as called as qualifying section. So aap dekh sakte ho qualifying section mein kya kya hai, reasoning, english, computer knowledge, decision making and quantitative aptitude. Qualifying matlab kya, aapko har subject mein ek qualifying cut off lana hi hoga. And then the 3 subjects, ga, ESI, that is economic and social issues, and ARD, agriculture and rural development, these are merit section. ये होंगे in total आपके merit subjects. ये merit marks आपके consider किए जाएंगे. These merit marks would be consider, and these merit marks will decide whether you will clear the phase one exam or not. But the qualifying section will decide that whether your merit marks will be considered or not. Okay? तो qualifying से क्या होगा? Qualifying section will determine that either you qualify for the merit marks checkup or not, and merit marks will decide that whether you will clear phase one exam or not. Okay. Overall, if you see reasoning 20 marks, 20 questions. Okay. No sectional time is there. English 30 questions, 30 marks. Quantitative aptitude 20 questions, 20 marks. Computer knowledge 20 questions, 20 marks. Decision making 10 questions, 10 marks. General awareness 20 questions, 20 marks. 100 marks for qualifying section. ठीक है? General awareness 20 questions for 20 marks. Economic and social issues 40 questions, 40 marks. And ARD 40 questions for 40 marks. Again 100 questions for 100 marks for merit section. तो ये 2 section आप देख सकते हो. Qualifying section 100 mark का होता है. Merit section 100 mark का होता है. ठीक है? I hope you got it. Now let's move towards phase 2 for generalist post. Okay, so phase one is same for all the disciplines. You may be general, you may be specialist branch, you may be finance, you may be computer. Phase one sab ke liye same hota hai. Phase two generalist post ke liye alag hota hai, aur specialized discipline ya fir post ke liye alag ho jata hai. So for generalist post, the first paper is general English. It has 3 questions, 100 marks. You have to complete it in 90 minutes. These 3 questions are essay, pressy, and letter writing. The paper 2 is having economic and social issues and agriculture and rural development, which is core of NABARD exam. Objective of 30 questions are asked for 50 marks. You have to solve those in 30 minutes. Descriptive type has 6 questions, 3 descriptive questions from ESI and 3 from ARD. 2 questions for 15 marks and remaining 4 questions from 10 marks. Out of all these 6 questions, you have to solve any 4. 50 marks total descriptive questions are there. 90 minutes you have to solve the whole descriptive paper. Okay, and here if you see the economic and social issues and agriculture and rural development, it is a combination of multiple choice question as well as descriptive part. Okay, this descriptive part is not by written, but rather computer, you have to type it. Okay, then comes the phase 2 paper for specialized discipline, that means finance, computer. So yahan par paper 1 which is there, that is same as the generalized stream, that is English language paper, 3 questions, essay, pressy and letter writing, marks 100, duration 90 minutes. And if you see paper 2,
इट विल नॉट हैव ESI और ARD, इसमें ESI ARD नहीं होगा, इसमें होगा आपका स्पेशलाइज स्ट्रीम। अगर आप फाइनेंस से हो तो बस फाइनेंस होगा, अगर आप कंप्यूटर और एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो तो बस आप कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, बट द पैटर्न इज सेम। सिक्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, यू हैव टू सॉल्व इन 4 फॉर 50 मार्क्स इन 90 मिनट्स। सो द पैटर्न इज सेम बट यू डोंट हैव ESI एंड ARD, यू हैव योर स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन। ओके, देन कम्स इंटरव्यू। We all know if you go through the phase 2, अगर आप phase 2 भी clear कर जाते हो, then in interview, the ratio of clearing the interview, it is 1:3. Out of 3 candidates, 1 candidate is selected in the interview. Overall, if you see interview, all the instructions also have been given in context of interview. Last year, the interview was of course online because of the COVID reasons. This year, we will see that what is the case for the interview. Is it online or is it offline? Okay? A multiple panel interview is there. Okay, so this is also very very crucial stage. For phase 1, if you see, for every correct answer you get 1 mark, for every negative answer you get 1, you will be deducted 1/4 of marks, that is 0.25. for phase 2, some questions are for 2 marks and some question are for 1 mark. So again, the negative mark is 1/4 only, you have to calculate that cumulatively. Okay, देन कम सिलेबस। अगर सिलेबस देखे तो इंग्लिश का मैंने पहले ही बताया आपको, इंग्लिश प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, ऑल दिस कम्स इन इंग्लिश। इफ यू सी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, देन हियर यू कुड सी ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स, ओके, इंडियन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, ऑल दिस टॉपिक्स हैव बीन मेंशनड हियर, यू कैन रीड देम केयरफुली, ओके, सो ऑल दिस टॉपिक्स हैव बीन मेंशनड हियर। देन कम्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अगेन this subject is not agricultural graduation topic, okay, this subject is different, agriculture and rural development, it has some core agriculture but at the same time it also has some generic agricultural topics, from introduction to agriculture, some topics related to crops, some topics related to general agricultural activities, okay, and some technical agricultural topics such as animal husbandry, fisheries, forestry, agricultural extension, okay, agricultural mechanization, etc., etc. You can read these topics, and along with these agricultural topics, you are also given with the rural development topics, okay? So all this is about the syllabus. Other important thing is that for all the students who belong to the category of SC, ST, OBC and PWBD, okay, before prelims exam, before phase 1 exam, NABARD is providing you a pre-recruitment training, okay, and how to apply for that pre-recruitment training, you have to go and you have to email to prerecruitment@nabard.org, okay, and you have to write the subject as application for pre-examination training for SC, ST, OBC, PWBD candidates for assistant manager in IDBS 2023. आपने ये देखा ही रहेगा, ये क्यों है, सिंपल, बिफोर गोइंग टू फेज वन, NABARD wants कि जितने भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स है, जितने भी पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनको हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ इंस्टीट्यूशन, वी विल ट्रेन देम सो दैट दे हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन। इफ दोज स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग रिसोर्सेज, वी एज अ इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड देम द रिसोर्सेज। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। इट्स अ प्री ट्रेनिंग फॉर द phase 1 exam of NABARD, ठीक है? तो आप कहीं पर भी कोर्स वगैरह सपोज नहीं लगा पा रहे हो, यू कैन डेफिनेटली मेल हियर, ओके? द ट्रेनिंग विल बी हेल्ड रिलेटेड टू सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ एडेक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो फर्स्ट कम, आई थिंक इट इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ओके, बट फॉर द एप्लीकेशन हियर अ डिक्लेरेशन एज वेल एज अ फॉर्म हैज बीन गिवन, फिल दिस फॉर्म, फिल दिस डिक्लेरेशन एंड देन attest this declaration and this form to in the email which you will be sending to the prerecruitment@nabard.org, okay? So ye ho gaya aapka pre-recruitment training ke related centers. If you see India ke phase 1 ke agar hum centers dekhe, bahut hi options aapke paas available hai, but if you see for phase 2, you are provided with only few options. So for phase 1, multiple city centers are there, but for phase 2, only few centers have been given. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 800,
and for SC, STs and persons with benchmark disability, it's 150 basic. Okay? Emolments की अगर मैं बात करूं तो बेसिक पे है आपका 44,500 का। आप बोलोगे कि सर क्या सैलरी तो कम है। नहीं बेटा, ठीक से आप ध्यान देखो, ध्यान देने पे ये पता चलता है द बेसिक पे इज 44,500 बट वेन यू कंसिडर द अलाउंसेस लाइक डियरनेस अलाउंस, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, यू गेट अ टोटल सैलरी ऑफ 1 लाख प्लस, दैट मीन्स 1,04,000 टू 1,10,000 comes in your hand as the initial monthly gross emolument. Okay, so I have called different of our toppers, the students who have cleared NABARD through our course in last year, and they have shown me their salary slip, and we for sure know that 1,04,000 to 1,10,000 is the gross monthly emolument a NABARD grade A officer as an assistant manager he gets initially. Okay, prerequisites क्या क्या है इसके साथ साथ, apart from these emoluments and allowances, you also get expense for internet, for newspaper, for official purpose, for telephone, for book grant, for furnishing the residence, etc. ठीक है, तो आप पैसे की कोई कमी नहीं है यहां पर, आपको बस dedicatedly पढ़ना है. Okay? Some part is of the salary goes for gratuity as well as NPS. ये तो आप सबको पता ही होगा. How to apply? Very very simple process. If you see how we can apply for this exam, it's very simple. Application, registration, you have to go on the website of www.nabard.org. आपको registration पहले करना है, then you have to pay the application fee, then you have to upload this, your photograph and your signature. Before uploading your photograph and signature, go through the dimensions of your photograph and signature. You have to also give your left thumb impression as well as a declaration which has been mentioned here. The declaration you have to write it by your own hand. Please do not forget this instruction carefully. Okay? ये बहुत ही बड़ी information है कि declaration आपको आपके handwriting में और आपको ही अपने हाथों से लिखना है. Okay? Then other thing is application procedure. If you see, first you have to go to the website. You have to click on apply here. Then you have to click on the new registration. You have to fill all your data. You have to click save and next, and you have to fill all your details. Then you have to pay the fee. After payment, okay, the payment of the fee is in online mode. Different options have been given. You can pay through it. After paying that, you can then upload your photograph, signature, your declaration and your thumb impression. Okay, do not forget the dimensions. The dimensions are mentioned. You can use Paint or any internet website to resize your image according to the provided dimensions. Okay, गलती मत कर देना डायमेंशंस में, देन यू विल क्राई कि सर सबमिट नहीं हो रहा है. ओके, द सिग्नेचर एज वेल एज योर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इट शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट, अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देन माइनर इन्फॉर्मेशन इज देयर, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज देयर, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग इन फेज वन, फेज टू, फॉर्म फिलिंग, इन योर इंटरव्यू, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज देयर, गिव दैट truthful information. Do not lie there, do not bluff there. Also know what are the grounds for being disqualified and for being debarred from the exams permanently. So isliye take it very very seriously. Every year for any of the aspirant for government exam is very very important. Isliye koi bhi galti mat kar dena so that you get disqualified or debarred. General instruction yaad rakhna, after filling the form and after paying the fee, take a screenshot of the receipt of the fee. After completely filling the application and completing the process of registration as well as application form, download the hall ticket as well as call letter. Hall ticket या फिर उसको कभी कभार call letter भी कहा जाता है, उसको download करके रख देना. If you don't download it, in last of your days, you will get frustrated and you will be in stress कि मुझे मेरा hall ticket नहीं मिल रहा, मुझे मेरा call letter नहीं मिल रहा. So please download your call letter. Reach to the exam centers before reporting time, because for such important exam, everybody is responsible. Your examiner is responsible as well as you are responsible. Your identity verification would be through your hall ticket or call letter, as well as one proof of your identity card, not a copy, but a real identity card. Okay, so you can use Aadhaar card or maybe PAN card or any such identity card. List of the identity card also has been given here. Then if you see,
Yes. Then if you see all the certificates of your caste certificates, your EWS certificates, those should be provided by the mentioned authorities, as well as those should be with you after 1st April of 2023. Okay. 1st April 2023 के बाद में आपके पास जो भी अप्लाइड जो भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट, आपके पास वैलिडेटेड होना चाहिए. ओके, यू शुडंट हैव अ ओल्ड डेटिंग कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट. देन दिस वाज अबाउट EWS सर्टिफिकेट एंड देन इज द प्रिंटआउट ऑफ the overall completed online application form, okay, that you should keep with you so that you are having important information such as your registration number, your roll number and your password. Generally your password is your birth date. Okay, so ye bhi aapke sath rakh lena. This was all the important information which was related to your form filling of your NABARD grade A exam. Okay, I hope you got more or less all the information which you needed from this notification of NABARD Grade A for 2023. Wish you best of luck. Ab to notification aa gayi hai. I don't think ab koi bhi cheez hai jo aapko rokegi aapke preparation se aur aapke selection se. Thank you very much. See you next time.